నా కుటుంబ సభ్యులారా తెలంగాణ విరోధీ లోగ్ चुनाव से पहले जनता को कुछ छोटे लाभ देकर अगले 5 साल तक तेलंगाना को लूटने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। हमें तेलंगाना में इस परंपरा को अब उलट कर देना है भाइयों बहनों, उसको रोकना है। रोकोगे क्या? रोकोगे क्या? तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। आज भी कांग्रेस और बीआरएस तेलंगाना के लोगों से विश्वासघात कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ऐसे ही बड़े वादे किए और अब उन्हें पूरा करने के लिए 15 अलग अलग शर्त रख रही है। पहले तो बोल देते हैं ऐसा करेंगे, फिर कहते हैं ऐसा होगा तो करेंगे, ऐसा होगा तो नहीं करेंगे, ये करेगा तो नहीं करेंगे, उधर वाला होगा तो क्यों भाई, जनता को मूर्ख बना रहे हो? यहां बीआरएस ने भी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का झूठा वायदा किया। कांग्रेस और बीआरएस का रवैया बिल्कुल एक समान है। चुनाव से पहले आसमानी वादे करो और चुनाव के बाद सारे वादे भूलकर अपनी तिजोरी भरो। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अपने वायदे पूरे करने का है। पिछले कुछ महीनों से आप सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लाखों युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इसकी घोषणा पिछले साल हुई थी। इस मेले के जरिए देश के हर कोने में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र, पब्लिकली नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया है। तेलंगाना के युवाओं को भी इसके जरिए, हजारों तेलंगाना के युवाओं को आज भारत सरकार में हमने काम दिया है। यहां के युवा ये देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया बिना रुकावट और पारदर्शी तरीके से हुई है। तेलंगाना में से एक भी शिकायत नहीं आई कि नौकरी मिली लेकिन किसी को मोदी को पैसा पहुंचाना पड़ा, ऐसी एक घटना नहीं आई है भाइयों। इसलिए बीआरएस के युवा विरोधी रवैये और इसकी सरकार को यहां के युवा करारा जवाब देने का मन बना चुके हैं। मेरी बात सही है ना? मेरी बात सही है ना? युवाओं ने तय कर लिया है ना? ये जाएगा ना? बीआरएस जाएगी ना? पक्का जाएगी ना? मैं तेलंगाना के युवाओं से भी कहूंगा, हमारे युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, ये मोदी की गारंटी है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार आते ही बीआरएस के पापों को मैं एक एक खोल करके रख दूंगा। उनकी सारी बुराइयों को निकाल करके रहूंगा और अभियान के तौर पर करके रहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं कैसे लूट रहे हैं। यहां के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ऐलान किया। इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के किसान आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीआरएस गवर्नमेंट ने उनके साथ फिर हर वादे को तोड़ा है। बीआरएस सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। यहां सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई
लेकिन या तो उन्हें पूरा नहीं किया गया या फिर बिना तैयार किए उनका उद्घाटन करके फोटो खिंचवाते रहे। दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने ना सिर्फ किसानों की मदद का वादा किया बल्कि 40 लाख किसानों के खातों में करीब 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कोई कटकी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई चोरी नहीं। हमने एमएसपी बढ़ाने का वादा किया, उसे भी पूरा किया। ये मोदी की गारंटी है, पूरी करके रहता है। ना कुटुंब सभ्युलारा, हर जिले के किसी एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, उसका उत्पादन और एक्सपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चला रही है। इस योजना के तहत निजामाबाद के हल्दी को प्रमोट किया जा रहा है और हल्दी की जब बात आती है ना, मैं खास करके मेरी तेलंगाना की बहनों को आज शत शत नमन करना चाहता हूं। मैं तेलंगाना की किसान माताओं के चरण मेरे माथे पर लेता हूं। उस चरण रज से मैं अपने आप को एक पवित्र प्रसाद के रूप में ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ तेलंगाना की माताएं बहनें हल्दी की खेती में दिवस रात मेहनत करती, इतना ही नहीं वो खेती की पैदावार करती, ऐसा नहीं, लेकिन कोविड के समय हल्दी ने दुनिया के बहुत लोगों को राहत दी है। पूरी दुनिया में हल्दी पहुंची है। दुनिया को बीमारी से मुक्त रखने का काम ये मेरी तेलंगाना की और मेरी देश की हल्दी पैदा करने वाली माताओं बहनों ने की है और इसलिए मैं उसे नमन करता हूं। और इसलिए महबूब नगर में ही मैंने इससे जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। हमने किसानों से किया एक और वादा पूरा कर दिया। हल्दी उगाने वाले किसान भाइयों के लिए, उनके विकास के लिए अब देश में नेशनल टर्मरिक बोर्ड उसका करण किया जाएगा। ये बोर्ड हल्दी की उपज को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विस्तार देने में मदद करेगा। इस निर्णय का बड़ा लाभ तेलंगाना के किसानों को भी होगा। मैं एक बार फिर तेलंगाना के किसानों को, निजामाबाद के किसानों को और खास करके हल्दी के खेत में काम करने वाली मेरी लाखों माताओं बहनों को आज टर्मरिक बोर्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युलारा, आप बीजेपी को एक मौका दीजिए, मुझे आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। देंगे? मुझे सेवा करने का मौका देंगे? मुझे आपकी सेवा करने का मौका देंगे? मुझे आपके दुख दूर करने का मौका देंगे? मुझे आपके पाई पाई की कमाई को बचाने का मौका देंगे? मुझे आपका भला करने का मौका देंगे? मुझे तेलंगाना के तरुणों का, नौजवानों का, यूथ का भला करने का मौका देंगे? आपका ये इंसाफ मांग मेरा वादा है, जो कहा है वो करके रहूंगा। हम दिखाएंगे कि तेलंगाना कितनी ऊंचाई पर जा सकता है। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगी। तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बन गई तो यहां का विकास भी डबल ताकत से, डबल तेजी से, डबल गति से होने वाला है। बीजेपी तेलंगाना की लूट बंद करेगी। बीजेपी तेलंगाना के युवाओं को नए अवसर देगी। बीजेपी तेलंगाना की महिलाओं को मान सम्मान और सुरक्षा देगी। बीजेपी तेलंगाना में ईमानदार और पारदर्शी शासन लाएगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, चाहे गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो या किसान हो, भाजपा समाज के हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के लोग अभूतपूर्व स्नेह और सहयोग का आशीर्वाद हमें देते रहेंगे।
मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से भी कहूंगा, हर बूथ को जीतिए, हर बूथ पर लोगों का दिल जीतिए। कमल घर घर पहुंचे, कमल हर दिल में पहुंचे, कमल के दिल में हर तेलंगाना का नागरिक और तेलंगाना के हर नागरिक के दिल में कमल। हम मिलकर तेलंगाना के लिए लोगों की आकांक्षा पूरी करेंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, ये यही हवा का रुख बता देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।